झारखंड में कांग्रेस भी राज्यसभा चुनाव में एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात के बाद झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जेएमएम के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है। वे पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश का पालन करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि झारखंड के एक नेता को राज्यसभा जाना चाहिए। बता दें कि 10 जून को 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होना है। लद्दाख बस हादसे में शहीद हुए हजारीबाग के जवान संदीप पाल का पार्थिव शरीर रांची पहुंचा। एयरपोर्ट पर राज्यपाल रमेश बैस ने शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शहीद के परिजन सहित सेना के जवानों ने शहीद को सलामी दी है। हजारीबाग पैतृक गांव में शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि संदीप पाल इंडियन आर्मी सिख रेजिमेंट 22 बटालियन के जवान के रूप में लद्दाख में पोस्टेड था। शहीद संदीप लाल हजारीबाग के खिरगांव के निवासी थे। राज्यपाल ने आज शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। पटना एयरपोर्ट पर लद्दाख में शहीद हुए राम अनुज यादव का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ साथ राज्य के पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ, सांसद राम कृपाल यादव के साथ कई अन्य गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव अंत्येष्टि के लिए पालीगंज भेजा गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि होगी। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन के लिए 31 मई आखिरी तारीख है और अब महज 3 दिन ही बचे हुए हैं। लेकिन जेडीयू और बीजेपी ने अब तक अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। जेडीयू के उम्मीदवार खासकर आरसीपी सिंह को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है कि राज्यसभा उम्मीदवार पर पार्टी सही समय पर फैसला करेगी। कैमूर जिले के करकटगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जलप्रपात और पार्क का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। नीतीश कुमार ने पर्यटन को बढ़ावा देने और विकास कार्य में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को कई निर्देश दिए। करकटगढ़ के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह बहुत बढ़िया जगह है, जो पहले से बेहतर हुआ है। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि यहाँ करकटगढ़ स्थल को लोग बहुत काफी दूर से देखने के लिए पहुँचेंगे। मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला 2022 की तैयारियों को लेकर समाहरणालय में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। लगभग 3 साल के बाद इस बार श्रावणी मेले का आयोजन किया जाएगा। बैठक में श्रावणी मेले का सफल आयोजन कराने को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसको लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गई है, ताकि कांवरियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त कराने को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। बेतिया में बीजेपी के लौरिया से विधायक विनय बिहारी का भोजपुरी गाने पर ठुमके लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी विधायक भोजपुरी गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि यह वीडियो एक शादी समारोह का है।